आज के दिन उन महान आत्मा को भी याद करते हैं कि उनका इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में, इस इंस्टीट्यूशन की बुनियाद डालने में बहुत बड़ा रोल रहा है, उन्होंने अपना किरदार निभाया है। और अगर बंसीलाल कोस्तानी जी 1999 में यहाँ पे लोअर हाई स्कूल, प्राइवेट लोअर हाई स्कूल 9th की क्लास उन्होंने बैठाई थी, अगर उस वक्त वो 9th की क्लास नहीं बैठाते थे तो सरव सिंह नाहक भी 9th में नहीं पढ़ सकता था, 10th में नहीं जा सकता था, एसी नहीं कर सकता था, एलएलबी नहीं कर सकता, उसके बाद का जो सफर वो नहीं कर सकता था। तो ये सारा श्रेय आपके आशीर्वाद बरकरार था, कायम था और रहेगा भी, लेकिन इसकी बुनियाद जो है बंसीलाल कोस्तानी, क्योंकि उन्होंने इस इलाके की तालीम के लिए बहुत कुछ किया। वो सबसे पहले क्या करते थे कि किसी गांव में प्राइमरी स्कूल खुलवाते थे प्राइवेट, और फिर गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखते थे, देखो जी लोगों को तालीम हासिल करने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, तो फिर तो सरकार मजबूर होकर के उस इंस्टीट्यूशन को सरकारी करने में उनको करना पड़ता था। तो इस ढंग से 1989 में स्कूल जो है 9th की यहाँ पे प्राइवेट क्लासेस बैठाई गई, हमने एडमिशन ली और मेरे से पहले जो बैचेस यहाँ पे पढ़ाई शुरू करी, मेरे अपने भाई बड़े गुलेर सिंह जी, वो 2 साल हो गए थे उनको 8वीं पास करके घर बैठे हुए, जब ये प्राइवेट यहाँ पे क्लास शुरू हुई तो उन्होंने भी एडमिशन ली। अब मेरे ख्याल में आने वाले एक आधे साल में वो तहसीलदार बनने वाले, पीएफ डीसी है तो तहसीलदार बनने वाले, और हमारा 18-20 का बैच है, तो ऊपर वाले की दया से और अपनी इनकी मेहनत से सभी इस वक्त तो मेरे ख्याल में कोई एक आधा कोई बचा होगा जो उस वक्त हमारे साथ 10वीं में था, बाकी सभी नौकरियों में इस वक्त काफी जो है तरक्कियां लेकर के अपना गुजर बसर कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है ऐसे इलाके में इस तरह के इंस्टीट्यूशन का फलना फूलना, तो आप सबके सहयोग से ये आज इसकी तरक्की ये बना है। ये हायर सेकेंडरी स्कूल 2019 का बना हुआ है, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले का इसका आर्डर हुआ था। इसके साथ और भी मेरे साथ यहाँ पे जानते हैं कि इसके साथ 50 जो अपग्रेड हुए थे, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि उन 52 स्कूलों में से ये पहला स्कूल खुला है, बाकी वाले अभी जो हैं फाइलें ऐसे। और पिछले दिनों में हमने बड़ी फाइट की, गवर्नमेंट भी परेशान कि ये स्कूल तो बने हैं लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, पढ़ाने की जो हमारी फैकल्टी है वो नहीं है, वहां पे सहूलियत ना होने की वजह से बच्चों को हम एडमिशन तो दे देंगे लेकिन चलाएंगे कैसे। तो ये सारी जिम्मेवारी हमारे सीओ साहब ने भी ली, इस स्कूल के जो जितने भी अध्यापक हैं उन्होंने भी ली, और आसपास के जितने भी हमारे टीचर मास्टर साहिबान हैं उन सब ने, जितने भी बच्चे यहाँ पे मैट्रिक करके ये सारे ड्रॉप आउट हो जाने थे, नहीं पढ़ा पाते, हम लोग गरीब लोग हैं, हम शहरों में जाकर के नहीं पढ़ा पाते थे, तो ये एक बड़ी हमें सहूलियत की बात है। इस इंस्टीट्यूशन को सबने मिलजुल के कामयाब करना है। मैं एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन से भी मेरी ये अपील रहेगी कि इन बच्चों को जो ये क्लास 11 की हम बैठाएंगे या 12th की जो है वो भी बैठ सकते हैं, तो इनको दिन रात मेहनत करवा के। और एक चीज मैं और बताता हूँ, जो अक्सर हम आजकल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट पे डाल, वो नहीं आ रहे इसलिए हम अनपढ़ रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको पता होगा कि जिस स्कूल में मैं प्राइमरी पढ़ा हूं उसकी शक्ति नहीं थी 5 साल, मेरी एडमिशन जो थी वो कुटलार स्कूल में हुई थी, प्राइमरी स्कूल में, और मैंने पूरे इस दुनिया में नहीं है उनको मैंने नहीं देखा। जब 5वीं का ध्यान दिया सुजनधार में, पूरा क्लस्टर के वहां पे टीचर साहिबान बैठे थे, तो मैं फर्स्ट आया, 4-5 स्कूल से जितने भी थे सब बताया, तो वो सब टीचर जो है मुबारक देने लगे, उस मेरे जो बीच में उस्ताद को कहने लगे इनको क्या मुबारक, ये तो 5 साल के बाद आज शक्ल दिखा रहे हैं, इनको क्या मुबारक, ये तो आए नहीं कभी। और मुझे यकीन है कि ये अपने बच्चे को और बच्चा
अपने उस्ताद को पहचान ही नहीं पाएगा कि मेरा टीचर कौन है। देखो मुझे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। उसी दिन जाना था, बच्चों ने तो जल्दी कर लेते, उन्हें बुलाया कि भाई सरव सिंह को बुलाओ। तो जब मैं गया अंदर तो कहने लगे भाई तूने कैसा पेपर किया, तू फेल हो गया। अब मैंने सोचा कि जितना मैंने लिखा है फेल तो नहीं हो सकता, ये मजाक ही हो सकता। तो ठीक है फेल हो गया तो फिर भी ठीक है। कहते चल तेरा टीचर कौन सा है उसको बताऊंगा, कि तेरे उस्ताद कौन से हैं जो तुझे पढ़ाते हैं। उनमें एक सरदार जी बैठे थे। अब सरदार जी, मैंने कहा सरदार जी तो है नहीं, तो जैसे मल्टीपल चॉइस बच्चा करता है नहीं आता तो वो देखता है ऐसे कैसे लगाता है कि ये है, लेकिन ये नहीं थे, वो साथ वाले थे। मैंने गलत बता दिया। तो जैसे यहाँ पे आप हम सब हंसे तो वो सब उन्होंने भी उधर हंसना शुरू कर दिया। कहते हैं देखा तो ये सारा क्रेडिट जो है तो ये नहीं जाता है भाई, वो दोस्त थे एक दूसरे के साथ थे। तो मेरे कहने का मतलब कि हम उन परिस्थितियों में से निकल के पड़े हैं। मुझे पता है कि उस वक्त इस इलाके में नौवीं की किताबें कैसी होती थी, हम उत्सुक होते थे देखने के लिए कि कैसी किताबें होती होंगी नौवीं और दसवीं की। ये आलम था उस वक्त। और इस आलम से निकल के आपके आशीर्वाद से इंसान को घमंड फकर नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, इस स्कूल से क्या प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, मैंने LLB BSc के बाद LLB किया, तो अपनी क्लास में मेरे से आगे कोई नहीं जा सका किसी भी शोबे में, चाहे वो लिखाई हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एकेडमिक परसेंटेज हो। आज ऊपर वाले की दया से हर घर में आपको 12वीं पढ़ा बच्चा मिलेगा, ग्रेजुएट बच्चे मिलेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे मिलेंगे, खाली आप। और अगर आपको शौक है पढ़ाने का अपने बच्चों को, तो पिछले दिनों में बड़ी स्ट्राइकें चली, एक गवर्नमेंट जो है 4G नहीं दे रही है जी, गवर्नमेंट बच्चों का भविष्य खराब कर गई जी, गवर्नमेंट क्या कर रही है जी, बड़े गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया। लेकिन जब से 4G आया क्वालिफाइड हो गए, पढ़ाना है, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आज के जमाने में। हमारे पास 10 ये मोबाइल जो है इसमें पढ़ सकते हैं बच्चा अगर पढ़ने वाला हो। अगर किसी ने नहीं पढ़ना है तो वो तो शहरों में जिनके बगल में यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, वहां भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए जब पूरा स्टाफ होगा फिर मेरा हमको इसी वक्त से शुरू करना होगा। और सबसे पहली जो प्रायोरिटी हमारी है वो एजुकेशन है, वो इसलिए कि इसका एक टाइम होता है, बच्चे के पढ़ने का टाइम होता है। आयु जो होती है पढ़ने की सीखने की वो निर्धारित है। जब उस आयु से बचा, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी हमारे टीचर साहबान को भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि वो आए, सीओ साहब यहाँ पे बैठे होंगे, या बाकी भी जितना फील्ड स्टाफ उन्होंने डिपार्टमेंट से बुलाया होगा, क्या क्या मुश्किल पेश है हमारी पब्लिक को, तो वो यहाँ पे हमारे आज डिपार्टमेंट हम उठाएंगे और उसमें क्या है वो थोड़ा थोड़ा हम उस पर रोशनी डालेंगे। तो मेरे ख्याल में हम अगर कोई ज्यादा फैशन फूशन जाओ उस तरह का कोई प्रोग्राम करे उससे बेहतर है कि हम एक एक डिपार्टमेंट उठाएंगे और उन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या मुश्किलें हैं। तो सबसे पहले हम एजुकेशन उठाएंगे, एजुकेशन के हवाले से कहां कहां पे क्या क्या प्रॉब्लम है। कोई भी बोल सकता है कि अपने स्कूल का क्या हाल है, इस वक्त कोरोना काल में कैसे चले, बच्चों का क्या मुश्किलें हैं, ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एजुकेशन का, अभी हमारे बीच में